आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में किसान अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके चलते मनोहर राज में किसानों को सम्मानित भी किया जाने लगा है। प्रदेश सरकार की तरफ से प्रगतिशील किसानों को न सिर्फ उचित मान सम्मान दिया जाता है, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से नाम रोशन करने वाले किसानों को अवार्ड से भी पुरस्कृत किया जाता है, जिसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना 2023 नाम से योजना भी चलाई है। इसके तहत उन किसानों को नकद राशि देकर सम्मानित किया जाता है जो खेती में आधुनिक विधियों जैसे जैविक खेती, पानी की बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, नई तकनीक, टिकाऊ कृषि, एकीकृत कृषि प्रणालियों के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। सरकार की तमाम फायदेमंद योजनाओं की बदौलत आज प्रदेश भर में हजारों की संख्या में प्रगतिशील किसान हैं, जो प्राकृतिक खेती में अपने नाम का लोहा मनवा चुके हैं और काफी अच्छी कमाई भी कर रही है। सरकार के लगातार प्रयासों से आज हरियाणा के युवा भी खेती की तरफ मुड़ने लगे हैं। नवीनतम तकनीक, सरल टेक्नोलॉजी और कम मेहनत से ज्यादा मुनाफा, ये सब चीजें युवाओं को भी खेती की तरफ आकर्षित कर रही है। आज हरियाणा के उद्यान विभाग की सही कार्य प्रणाली और युवा किसान की मेहनत के कारण प्रदेश के युवा उद्यमशीलता के शिखर को छूने की तरफ आकर्षित है। हिसार के प्रगतिशील किसान धर्मेश ने बताया कि पहले पारंपरिक खेती में काफी ज्यादा मेहनत होती थी, लेकिन उसके बावजूद मुनाफा ज्यादा नहीं हो पाता था। इनके पिता दिन रात खेतों में काम करते, मेहनत करते, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। परिवार की परिस्थितियां और पारंपरिक खेती से कमाई नहीं होने की वजह से युवा किसान धर्मेश ने खेती में अध्ययन करना शुरू किया, जिसके बाद ये पता लगा कि खेती एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हरियाणा सरकार भी किसानों को मदद कर रही है, तो वहीं उन्होंने प्राकृतिक खेती की तरफ रुख किया और उन्होंने विभाग के कार्यालय में भी विजिट किया, इंडो इजराइल सेंटर से भी जानकारी हासिल की। इसके बाद अधिकारियों की दी गई राय और जानकारियों के हिसाब से ये युवा किसान मेहनत करते गए, जिससे इनके वारे न्यारे हो गए। खेती के अलग अलग और बेहतरीन तौर तरीकों की वजह से इनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। किसान के चेहरे पर चमक देखने को मिली, परिवार में खुशियां छाने लगी। मेरा नाम दरवेश है, मैं गांव सूर्यवाला डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से हूं। पहले हम जो ट्रेडिशनल खेती हम करते थे, पिताजी वही नरमा बीजते थे, फिर उसके पास गेहूं बीजते थे, धान बीजते थे, तो हमने देखा कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हमें इससे अच्छा मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने खेती के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। अध्ययन करने के बाद पता चला कि खेती एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अगर आप इसको नवीनतम तरीके से करना शुरू करें। तो हमें पता चला कि हरियाणा सरकार है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो इंडो इजराइल सेंटर उन्होंने स्थापित किए हुए हैं। मैंने वहाँ पे विजिट किया, विजिट करने के बाद मुझे जो एक्सपोजर मिला उसने मेरी लाइफ बदल दी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे बताया कि पानी के लिए अगर आप सामूहिक खेती करते तो आप तालाब इसमें बना सकते हो, ड्रिप इरीगेशन से आप 75% तक की पानी की बचत आप कर सकते हैं। बिजली एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो मुझे पता चला कि स्कीम चलाई जा रही है जिसके तहत हमें सोलर पंप पर लगभग 75% की सब्सिडी है। बहुत अच्छा हमें इसमें मुनाफा मिला। किसान धर्मेश ने बताया कि पानी की काफी बड़ी समस्या थी, जो इनके सामने एक चैलेंज था। पानी का गिरता स्तर, बिजली की समस्या, ये तमाम चुनौतियां सामने आई, लेकिन बागवानी विभाग ने इसमें पूरी मदद की और बताया कि पानी के लिए अगर सामूहिक खेती करते हैं तो तालाब बनाया जा सकता है, ड्रिप इरिगेशन के जरिए 75% तक पानी की बचत भी कर सकते हैं, इससे जल भी बचेगा और उत्पादन भी बेहतर होगा। बिजली की समस्याओं को दूर करते हुए विभाग ने बताया कि हरियाणा सरकार की स्कीम के तहत सोलर पंप पर लगभग 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं से काफी ज्यादा मदद मिली, काफी कम खर्च में भी सरकार की मदद से आज वो अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। सभी स्कीम्स के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है और योजनाओं का फायदा उठाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाने से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। बस किसानों को समझने की जरूरत है, उसके बाद एक खेती
हमारी बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन वही कि इसको हम नवीनतम तकनीक से हमें करना चाहिए। मैं 8 एकड़ में बागवानी करता हूँ, बागवानी के साथ साथ हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं बहुत ही एडवांस तकनीक से। साथ मैंने 1 एकड़ में नेट हाउस लगा रखा, वहाँ से मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। साथ में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम ऑर्गेनिक पे कैसे लेके जाए, तो ऑर्गेनिक यूनिट की हमने स्थापना कर रखी है, गोबर गैस प्लांट हमने लगा रखे, जो भी आयाम हम कर सकते हैं वो हमने स्थापित किए हैं। तो विशेष रूप से मैं जो आजकल के पढ़े लिखे युवा हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में कर रखी, उसके बाद मैंने यहाँ पे अवसर देखा कितने अच्छे अवसर हैं, तो अवसरों को तराशने की जरूरत है युवाओं को खासकर। इतना ही नहीं, धर्मेश किसान ने बताया कि वह 8 एकड़ में बागवानी करते हैं, वहीं बागवानी के साथ साथ एडवांस तकनीक से इंटरक्रॉपिंग करते हैं। इसके अलावा 1 एकड़ में नेट हाउस भी लगा रखा है, यहाँ से भी उनको काफी अधिक प्रॉफिट होता है, साथ ही ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल होता है, गोबर गैस प्लांट भी लगाया हुआ है। उन्होंने बताया कि जो भी संभव था वो सभी नए नए आयाम यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। बागवानी विभाग का भी इसमें पूरा सहयोग रहा, यानी पहले जहाँ पर घर का खर्च भी मुश्किल से चलता था, वहीं अब पूरे परिवार का गुजारा काफी बेहतरीन तरीके से हो रहा है और बागवानी अपनाने से आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो गया है। उन्होंने बताया कि वो आज इस काबिल है कि दूसरे लोगों को भी एक तरह से रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इनके खेत में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं जिनको एक तरह से नौकरी मिली हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ किसान धर्मेश ने दूसरे किसानों से भी ये अपनाने की न सिर्फ अपील की है, बल्कि उन पढ़े लिखे युवाओं को भी एक बेहतरीन संदेश दिया है जो खेती को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। धर्मेश ने बताया कि उन्होंने खुद पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन जब खेती में कमाई के बेहतर अवसर दिखाई दिए तो उन्होंने खेती की तरफ अपने कदम रख दिए, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सिर्फ नौकरी के पीछे भागने की बजाय अवसर तलाशने की जरूरत है। अगर महज 2 एकड़ से भी खेती शुरू की जाती है तो इसमें भी काफी मुनाफा है, क्योंकि इसमें सब्जियों से लेकर फलों तक किसी का भी उत्पादन किया जा सकता है। इनके पास नेट हाउस से लेकर ऑर्गेनिक यूनिट भी है, साथ ही नर्सरी भी लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से हर मदद दी जा रही है, इसका फायदा किसानों को विशेषकर युवाओं को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक फसल सब्जी फल स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है, इससे कई तरह की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। लोगों को व्यवसाय उपलब्ध कराने के साथ साथ उनको अच्छी हेल्थ भी ऑर्गेनिक खेती के जरिए दे रहे हैं। उन्होंने तमाम तरह की सुविधाएं और आर्थिक मदद देने के लिए हरियाणा सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि न सिर्फ नई तकनीक बल्कि आर्थिक रूप से भी अनुदान देकर सरकार ने काफी मदद की है, जो कभी सोचा भी नहीं था। आज वो हरियाणा सरकार की वजह से न सिर्फ वो कर पाए हैं, बल्कि इसमें नए आयाम भी स्थापित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब वो अपनी खेती का विस्तार करने के बारे में भी सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, जिन्होंने मुझे ये टेक्निक समझने में मदद की, फाइनेंशियली सब्सिडी दे के एक मतलब जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे वो हमें असिस्टेंट वहाँ पे मिली है, जिससे कि हम एक बड़ा विजन लेके चल रहे हैं और आने वाले टाइम में भी हम एक बड़ा काम इसमें करना चाहेंगे। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता और कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई गई नई नई योजनाओं का फायदा उठाकर हजारों किसान अपनी मेहनत के बूते और सरकार के सहयोग से अपनी किस्मत बदल चुके हैं। यानी हरियाणा में अब प्रगतिशील किसानों की संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है, जो सरकार के सपोर्ट से न सिर्फ आर्थिक स्थिति को बेहतर कर चुके हैं, बल्कि प्रदेश भर में अपनी एक अमिट पहचान भी बना चुके हैं। प्रदेश के हजारों किसान अब पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, जिससे उनकी आय दोगुनी से भी ज्यादा हो रही है। इसमें पानी की बचत तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ किसानों का उत्थान भी होता है। इतना ही नहीं, बागवानी अपनाने वाले किसानों को प्रदेश सरकार की तरफ से अलग अलग विशेष अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं, जिससे किसानों को काफी मदद मिलती है। हरियाणा के किसान अब ये समझ गए हैं कि आय को दोगुना करने के लिए सिर्फ पारंपरिक फसलों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, अच्छा मुनाफा कमाने के लिए नई तकनीक नए तौर तरीकों और बागवानी फसलों की तरफ रुख